दोस्तों, कहा जाता है कि हर सफल इंसान कभी ना कभी असफल ज़रूर हुआ होता है, और ऐसी ही कहानी है YouTube इंडिया के कुछ गिने चुने सफल यूट्यूबर्स में से एक कैरी मिनाटी की भी, जो कि इंडिया के सबसे पहले रोस्टर हैं। जी हाँ, सबसे पहले रोस्टर, क्योंकि इनसे पहले रोस्टिंग जैसे कंटेंट को इंडिया में लगभग ना के बराबर लोग जानते थे। और जैसा कि दोस्तों हमें पता है कि इस दुनिया का हर सफल इंसान पहली बार में ही सफल नहीं हुआ है, उसने भी बहुत सारी असफलताओं का सामना किया है, तब जाके आज वो एक सफल इंसान बना है। तो ऐसा ही कुछ कैरी मिनाटी के साथ भी है। इन्होंने भी अपनी इस सक्सेसफुल लाइफ से पहले बहुत सारे फेलियर्स का सामना किया है, तब जाके आज ये इतने सक्सेसफुल बने हैं। तो इनकी इन सारी घटनाओं के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे, जो कि इनकी लाइफ में घटी हैं, इनके साथ हुई हैं। लेकिन उससे पहले, फ़िलहाल कैरी अभी अपनी रीसेंट वीडियो टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब द एंड के लिए काफ़ी ज़्यादा चर्चे में हैं, और इनकी इस वीडियो ने यूट्यूब के काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स भी तोड़ दिए हैं, जिसके बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले, मात्र 21 साल की उम्र में ही कई बुलंदियों को छू लेने वाले कैरी मिनाटी के फेलियर से सक्सेसफुल होने तक की कहानी जानते हैं, जिससे हम सभी को कुछ न कुछ सीखना चाहिए। तो कैरी की कहानी की शुरुआत दिल्ली के नज़दीक फरीदाबाद ज़िले में गुर्जर परिवार में हुई 12 जून 1999 को। इनके परिवार में कुल 4 सदस्य हैं, कैरी, उनके पेरेंट्स और उनका एक बड़ा भाई जो कि एक गिटारिस्ट है। कैरी का असली नाम तो शायद आप जानते ही होंगे, जो कि अजय नागर हैं। अगर हम बात करें इनकी पढ़ाई के बारे में, तो दिल्ली पब्लिक स्कूल से ये पढ़ा करते थे, पर पढ़ाई में तो इनका मन लगता ही नहीं था। इसीलिए उन्होंने मात्र 11 साल की उम्र में ही YouTube पे अपना पहला चैनल बनाया, जिस पे अजय वीडियो गेम्स की रिकॉर्डिंग डाला करते थे, क्योंकि इन सब में ही अजय का मन लगता था। पर शायद उम्र में ज़्यादा छोटे होने की वजह से अजय के इस चैनल को कुछ अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, लोगों ने उतना अटेंशन नहीं दिया। पर शायद अजय ने ठान लिया था कि उन्हें कुछ बड़ा करके ही दिखाना है यूट्यूब पर। और फिर 15 साल की उम्र में कैरी ने अपना एक दूसरा चैनल बनाया, जिसका नाम था एडिक्टेड A1। लेकिन इस चैनल पे कुछ अलग किया अजय ने, और गेमिंग के साथ साथ फ़नी कमेंट्री भी करनी चालू कर दी। सनी देओल और ऋतिक रोशन जैसे स्टार्स की मिमिक्री भी करने लगे। फिर कैरी ने अपने चैनल का नाम बदलकर एडिक्टेड A1 से कैरी देओल रख लिया। और फिर इसके बाद काफ़ी ज़्यादा समय तक मेहनत करने पर कैरी को ये पता लगा कि लोगों को उनके गेम से ज़्यादा अच्छी उनकी फ़नी कमेंट्री लग रही है। फिर कैरी ने अपने चैनल पर छोटे छोटे आर्टिस्टों को रोस्ट करना शुरू किया, जो कि उन्होंने विदेश में पहले से ही चल रहे कंटेंट से लिया था। अब क्योंकि अजय ने ये आइडिया विदेश में चल रहे कंटेंट से लिया था, तो इंडिया में ये बिल्कुल ही फ्रेश और अलग था, जो लोगों को काफ़ी पसंद भी आ रहा था। फिर काफ़ी ज़्यादा हिम्मत जुटाकर कैरी ने YouTube इंडिया के एक जाने माने क्रिएटर भुवन बाम को कैरी ने अपने चैनल पर रोस्ट कर दिया। जैसे कि भुवन बाम आज तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है ही, ये उस समय भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में थे। और जब बीबी की वाइंस को कैरी ने अपने चैनल पे रोस्ट किया, तो कैरी भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आ गए, और उनकी उस वीडियो पे लाखों व्यूज़ भी आ गए। फिर कैरी का चैनल ग्रो करने लगा, तब कैरी ने अपने चैनल का नाम अंतिम बार चेंज करके कैरी देओल से कैरी मिनाटी रख लिया। और हालांकि दोस्तों, रोस्ट जिस पे भी किया जाता है अक्सर उसे बुरा लग जाता है, पर भुवन बाम को ये बिल्कुल ही बुरा नहीं लगा, बल्कि उन्होंने कैरी की वीडियो पे खुद आकर पॉजिटिव कमेंट भी किए। तो दोस्तों, कैरी जब और ज़्यादा फेमस हो गए, तो इन्होंने अपने फैंस के डिमांड पे फेस कैम करना स्टार्ट किया। फिर क्या था, फिर कैरी के एक्सप्रेशन लोगों को और ज़्यादा पसंद आने लगे, और ये लोगों को हंसाने लगे। और इनका पूरा ध्यान इन्हीं सब पे होने की वजह से ये अपने 12th की पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाए, और इकोनॉमिक्स के पेपर से पहले ये खुद को अनकॉन्फिडेंट फील करने लगे, और फिर इन्होंने एग्ज़ाम ही छोड़ दिया।
हालांकि बाद में ओपन से इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की, पर इनका ध्यान तो अभी भी YouTube की तरफ ही था। वहीं कैरी के सफल होने में उनके माता पिता का भी बड़ा हाथ था, जो उन्होंने कैरी के पैशन को समझा और उसका सपोर्ट किया। लेकिन किसी ने एक बात तो बिल्कुल सच कही है कि जब आप सफल होने लगते हो तो ये दुनिया आपसे जलने लगती है, और कैरी का तो काम भी कुछ ऐसा ही था जो काफ़ी लोगों को बुरा भी लग जाता था। तो लगातार रोस्ट करने के बाद कैरी के चैनल पे स्ट्राइक्स आना शुरू हो गई, और एक बार तो 3-3 स्ट्राइक साथ में आने की वजह से कैरी के चैनल को बंद करने तक की नौबत आ गई थी। पर कैरी ने अपने सूझबूझ से ये सब वापस से नॉर्मल कर लिया। फिर कहा जाने लगा कि कैरी लोगों की रोस्टिंग उनसे पूछकर करते हैं, पर सच क्या है वो तो सिर्फ कैरी को ही पता है। लेकिन दोस्तों, कैरी ने अपने मेहनत और टैलेंट के दम पर इतना नाम बना लिया है कि आज तक रोस्टिंग में कैरी के सामने कोई नहीं आ सका, और कैरी के चैनल पे इस समय 16.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। और जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब शायद ये आंकड़ा और भी आगे जा चुका होगा। और कैरी ने 2017 में एक और चैनल बनाया जो कि कैरी इज लाइव है, जिसपे ये सिर्फ गेमिंग करते हैं, और यहाँ भी कैरी के लगभग 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। तो अब बात करते हैं कैरी की लेटेस्ट वीडियो टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब द एंड के बारे में, जो कि अभी हाल में ही कैरी ने अपने चैनल पे अपलोड की है, जिसने यूट्यूब के बहुत सारे रिकॉर्ड को तोड़कर कैरी के नाम कर दिया है। तो दरअसल ये वीडियो में टिकटॉक के आमिर सिद्दीकी ने जब यूट्यूबर्स को नीचा दिखाया और चैलेंज दिया, तो फिर कैरी को तो एक बहाना सा मिल गया और उन्होंने आमिर को आड़े हाथों लिया और उनके ऊपर जमकर रोस्ट कर डाला। और फिर इस वीडियो ने रिकॉर्ड तोड़ना स्टार्ट किया, जैसे कि ये वीडियो इंडिया के इंडिविजुअल क्रिएटर के द्वारा बनाई गई वो पहली वीडियो बन गई जिसने मात्र 2 घंटे में ही 1 मिलियन लाइक को छू लिया, और इसके अलावा 5 मिलियन लाइक भी इसने मात्र 5 घंटे में ही पार कर लिया। और अब तो ये वीडियो इंडियन हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा लाइक पाने वाला वीडियो भी बन चुका है, जो कि इससे पहले अक्षय कुमार के फ़िलहाल नाम के गाने के पास था 6.7 मिलियन लाइक्स का। पर अब ये रिकॉर्ड कैरी के नाम हो चुका है 10 मिलियन से भी ज़्यादा लाइक्स के साथ, और साथ ही साथ इस वीडियो की वजह से कैरी पहले ऐसे यूट्यूबर बने जिन्होंने मात्र 24 घंटे में 1.8 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स पाए, जो कि इस पूरी दुनिया में पहले किसी भी यूट्यूब चैनल के साथ नहीं हुआ। वैसे कैरी ने अपने खुद के सॉन्ग्स भी रिलीज़ किए हैं अपने भाई के साथ, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि कैरी के भाई यश नागर एक गिटारिस्ट और एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर भी हैं। तो 2019 में बाय प्यूडीपाई और ट्रिगर, और 2020 में जिंदगी और वॉरियर जैसे सॉन्ग कैरी ने रिलीज़ किए हैं जो कि काफ़ी हिट भी रहे हैं। और अब कैरी और भी रिकॉर्ड तोड़ने में लगे हुए हैं। कैरी के सक्सेस की विटनेस खुद उनकी फ़ैन फॉलोइंग है, और कैरी के लाइफ से भी हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है कि अगर किसी चीज़ को आप दिल से चाहो और अपना 100% एफर्ट देकर करो तो आप कभी ना कभी उस चीज़ को ज़रूर हासिल कर लोगे। तो आज की ये कैरी स्पेशल वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो आज की ये कैरी स्पेशल वीडियो का अंत भी हम कुछ कैरी के अंदाज में ही करेंगे। तो देखो यार, मुझे कुछ नहीं पता, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो बस लाइक हो जाना चाहिए, कोई एम नहीं रखा जा रहा है लाइक का, बस लाइक हो जाना चाहिए। और अगर चैनल पे नए हो तो मुझे कुछ नहीं पता, बस हाथ मारो, पैर मारो, कुछ भी मारो, बस वो सब्सक्राइब का बटन जो है वो टूट जाना चाहिए, और बाजू वाला घंटा भी ज़ोर से बजाना ताकि मुझे यहाँ तक आवाज़ सुनाई दे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।